जी, हरियाणा सरकार की अच्छी पहल, धान की जगह चारा उगाने और खेत खाली रखने पर मिलेंगे 7,000 रुपए। सीएम ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को दी हरी झंडी। कोरोना की तीसरी लहर से पहले सरकार का गुरुग्राम में बड़ा कदम, अब मेट्रो स्टेशन पर भी होगा टीकाकरण, हर रोज 250 लोगों को लगेगी वैक्सीन। हरियाणा की कलानौर अनाज मंडी में बड़ी लापरवाही, सरसों के 6,512 बोरे चोरी, गोदाम इंचार्ज लापता। और हरियाणा में नहीं थम रहा ब्लैक फंगस का कहर, अब तक 1390 मरीजों में सिर्फ 467 हुए ठीक, फंगस से 217 मरीजों की हो चुकी है मौत। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब रुख कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा सरकार धान की जगह है चारा उगाने या अपने खेत खाली रखने पर भी किसानों को मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी मेरी विरासत योजना को खरीफ 2021 के लिए भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना में पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई कर दी गई है। योजना पर लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यूरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। पहले पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 25 जून थी, अब इसे आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को मेरी फसल मेरा ब्यूरा पोर्टल से जोड़ दिया है। वहीं हरियाणा में बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 25 में करीब 4,50,00,000 की लागत से बनकर तैयार हुए फायर स्टेशन का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यह बताया कि बीजेपी सरकार में विकास कार्य हुए, 2014 के फरीदाबाद और 2021 के फरीदाबाद को आप देखेंगे तो काफी फर्क नजर आएगा। ये बीजेपी सरकार का काम है जो कि आज फरीदाबाद की तस्वीर बदल चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गांव के लोगों को खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सभी को मानने चाहिए। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की माने तो बीजेपी सरकार में चारों तरफ विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है और शहर की दिशा और दशा दोनों में ही सुधार है। पूरा कार्यक्रम ये था कि हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है वो काफी जर्जर हो गई है और 25 के लिए ये ऊपर किया, इन्होंने उद्घाटन किया मंत्री महोदय। कितने की लागत से बन के तैयार हुए ये तो हुड्डा डिपार्टमेंट ही बता पाएगा कितनी लागत लगी। कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो कितना स्टाफ यहाँ पे रहेगा? तो यहाँ पे जो भी हमारे पास संसाधन है उसी तरह से हम ये रखेंगे, क्योंकि स्टाफ ऑलरेडी हमारे पास अप्रूवल मांगी हुई है और कम है। कितने की अप्रूवल मांगी गई है? अभी अप्रूवल तो हमने पहले मांगी की है, गाड़ियों की भी मांगी है, उनकी भी मांगी है, लेकिन जितनी पोस्ट है वो दे सकते हैं, 50 या 40-45 तक। आग बुझाने वाली कितनी गाड़ियों का यहाँ प्रबंध रहने वाला है? यहाँ 2 से 3 गाड़ियों का प्रबंध रहेगा। स्टेशन का सेक्टर 55 में नवनिर्मित भवन का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। इसमें भाई मूलचंद शर्मा जी, तुम्हारे वरिष्ठ मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, यहाँ के निगम पार्षद भाई डागर जी और सब लोग उपस्थित हैं। ये 4.5 करोड़ की लागत से लगभग 3.25 एकड़ जमीन में बनकर तैयार हुआ है और ये आसपास के लोगों को बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि इसका लाभ नज़दीक के लोगों को तुरंत मिलेगा। हम तो भगवान से चाहेंगे कोई इस तरह की दुर्घटना, कहीं आग के हवाले कोई चीज़ ना हो,
अगर किसी का पुराना खास्ता अगर होगी तो तुरंत मिनटों में वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँचे, ऐसी व्यवस्था इस 55 सेक्टर में हरियाणा सरकार ने भाई मूर्ति जी ने की। और पिछले 7 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भी तेज गति के साथ विकास कर रहा है और हरियाणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेज गति के साथ विकास कर रहा है। पिछले कुछ समय में कोरोना के कारण कुछ विकास की गतिविधियां थोड़ी धीमी पड़ी थी, लेकिन अब फिर से उनको गति देने का काम आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी ने। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत काफी रियायतों के साथ लॉकडाउन 5 जुलाई तक बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन इनमें फिलहाल रिसर्च स्कॉलर ही आ सकेंगे। लैब में प्रैक्टिकल के लिए भी छात्र छात्राओं को अनुमति होगी। इसके अलावा शिक्षक सिर्फ उन विद्यार्थियों की क्लास ले सकेंगे जिनके पढ़ाई में कुछ डाउट्स हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के लिए 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने लॉकडाउन बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि कोरोना महामारी का जो प्रभाव है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा लोगों को सख्ती के साथ कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन करना होगा। इसके लिए उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को संभावित जरूरी बंदोबस्त करने होंगे। हरियाणा सरकार ने खेल स्टेडियम पहले ही खोल दिए थे, लेकिन अब इनमें आउटडोर गेम्स भी हो सकेंगे, यानी प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा सकेगा। हरियाणा में चरखी दादरी जिले के कस्बा बाढ़ड़ा में आम आदमी पार्टी के मध्य जोन प्रभारी अश्विनी दुलेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अश्विनी ने कहा कि इन दो झूठी पार्टियों में हरियाणा का सत्यानाश कर दिया है। इस राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है, रोज बलात्कार हो रहे हैं और युवाओं को इतना बेरोजगार कर दिया कि वह नशे और क्राइम की ओर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी क्लब के रूप में आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ओम प्रकाश चौटाला तो जेल से बाहर आ गए, अब भूपेंद्र हुड्डा को जेल जाने की बारी है। हरियाणा में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उनको लेकर के प्रत्येक गांव में, आज हरियाणा के प्रत्येक शहर में इतना उत्साह है कि आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर, जो झाड़ू का सिंबल, उस पर चुनाव लड़ने जा रही है। बहुत गणमान्य लोग आम आदमी पार्टी में, रोज ही हजारों लोग पार्टी में आस्था दिखा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर के, इनकी तानाशाही से दुखी होकर के आज आम आदमी पार्टी में जिस तरह की आस्था दिखाई जा रही है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उत्साहित है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार की भूमिका में नजर आएगी। धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे देश की बात कर लो, प्रदेश की बात कर लो, या विधानसभा की बात कर लो, या किसी गांव की बात कर लो, नीचे से लेकर के ऊपर तक सत्यानाश इन्होंने कर दिया पूरे हरियाणा का, पूरे देश का। जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री है मोदी बाबा, जिस तरीके से आज देश को चलाने की कोशिश की जा रही है, देश को चलाने की नहीं, देश को बेचने की कोशिश की जा रही है। रोज ही कोई न कोई चीज जो देश की एक धरोहर है उसको बेचा जा रहा है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी रोज झूठ की राजनीति कर रही है और हरियाणा के अंदर दो पार्टियों का राज चल रहा है जो कि झूठी पार्टी है। एक तो कल भी ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था कि भाई देश की कोई झूठी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, और हरियाणा की जो कागज जमा झूठी पार्टी वो दूसरी जेजेपी। शुरू से ही हम हर एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमारा कार्यकर्ता, जिस दिन से हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हम हर एक लड़ाई के लिए दिन रात तैयार हैं, क्योंकि समाज में अच्छे काम हो और समाज में अच्छे काम के लिए अच्छे लोग आगे आए, ताकि समाज में अच्छे तरीके से जो व्यवस्था है वो ठीक हो सके। रही कानून की बात, जो कोर्ट की बात है, कोर्ट कानून का अपना काम है भी, अगर वो उस तरीके से, आम आदमी पार्टी 24 घंटे तैयार है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से दुखी होकर के
लोग जनता भारतीय जनता पार्टी को लेकर आए थे और भारतीय जनता पार्टी की अब तानाशाही और ये जो रवैया आप देख रहे हो इससे परेशान होकर के अब लोग पूरे देश में बारडा की बात छोड़ दीजिए, अब पूरे देश में लोग आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली में काम किए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं वो आम लोगों के लिए काम किए हैं, आम लोगों के काम किए। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी और इसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन मध्य जोन प्रभारी अश्विनी दुलेड़ा ने किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दो झूठी पार्टियों के कारण हरियाणा का सत्यानाश हो गया। इस राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हो गया है और इतना ज्यादा बेरोजगार हो चुका है कि नशे और क्राइम की ओर अब युवा जाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अभी क्लब के रूप में आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ओम प्रकाश चौटाला तो जेल से बाहर आ गए, अब भूपेंद्र हुड्डा की जेल जाने की बारी है। तो ये तमाम बातें जो हैं आज जिले के कस्बा भाडड़ा में आम आदमी पार्टी के मध्य जोन प्रभारी अश्विनी दुलेड़ा ने कही। हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कामकाज से खुश होकर शाहपुरा कला गांव के लोगों ने एक पंचायत का आयोजन किया जिसमें उन्होंने आने वाले स्थानीय चुनावों में युवाओं को आगे लाने की बात कही है। साथ ही साथ चुनावों में युवाओं ने भी अब मन बना लिया है कि इस बार ऊपर से नीचे तक युवाओं की सरकार बनेगी, फिर चाहे वह पंचायत चुनाव हो या जिला पार्षद या फिर ब्लॉक समिति या मेंबर, और सभी में पढ़े लिखे युवाओं को आगे अब ये लोग लाना चाहते हैं। गांव के पढ़े लिखे युवाओं का भरपूर समर्थन सरकार को देना चाहते हैं। मैं अपने पत्रकार छायाकार साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस पंचायत के मौके पर आज यहां पहुंचे। इस पंचायत का आयोजन गांव शाहपुर कला की 36 बरादरी सरदारी ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया जो कि ब्लॉक वार्ड नंबर 28 से मैंने तैयारी स्टार्ट की है। तो गांव ने 36 बरादरी ने एक आश्वासन मुझे दिया है कि आप तैयारी करो, गांव की 36 बरादरी आपके साथ तन मन धन से बिल्कुल साथ है। जो इस 36 बरादरी ने आज मुझे आशीर्वाद दिया है इस उनके आशीर्वाद पर मैं खरा उतरने का काम ऐसा ब्लॉक समिति पे हमारे पहलादपुर और गाँव शाहपुर कला है तो उसमें सुमित कौशिक हैं भाई साहब हमारे, उन्होंने समर्थन देने के लिए किया गया है। अच्छा, क्यों आखिर सुमित कौशिक को ही क्यों समर्थन दिया जा रहा है? सुमित कौशिक को इसलिए समर्थन किया जा रहा है क्योंकि गांव में बढ़िया छवि का लड़का है जी, बढ़िया ईमानदार लड़का है और बढ़िया भरपूर सारे गांव का सहयोग है हर एक चीज में। जैसे अब कोरोना काल गया सारे गाँव में सैनिटाइजर। और हरियाणा में ब्लैक फंगस के मरीज लगातार मिल रहे हैं, अब तक कुल 1390 मरीज अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं, इनमें से सिर्फ 467 ठीक हुए हैं जबकि 217 मरीजों की मौत हो चुकी है, 539 मरीज अब भी अस्पतालों में ही भर्ती हैं। ब्लैक फंगस से सर्वाधिक 93 मौतें हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में हुई, सबसे ज्यादा 198 एक्टिव मरीज रोहतक पीजीआई में भर्ती हैं। ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन मरीजों को पर्याप्त मात्रा में अब भी नहीं मिल पा रहे, इसी के चलते अब तक सिर्फ 33% मरीज ही रिकवर हो पाए हैं। मृत्यु दर जो है 15% से ऊपर बनी हुई है, वहीं 38% से ज्यादा सक्रिय मरीज इस समय भी मौजूद हैं। यानी कोरोना के मुकाबले ब्लैक फंगस के मरीजों की रिकवरी दर काफी कम है, मृत्यु दर करीब 15 गुना ज्यादा है। प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर 1% के आसपास रही है। बता दें कि प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 112 नए केस मिले, 10 मरीजों की मौत हो गई, नए केस शुक्रवार के मुकाबले 19 और मौतें 7 कम है। 14 जिलों में एक भी मौत नहीं हुई है, 24 घंटे में 225 मरीज ठीक हुए हैं, अब राज्य में 1661 सक्रिय मरीज रह गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाई गई इमरजेंसी देश में काला दिवस के रूप में मनाई गई। इस इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र की हत्या हुई लेकिन देश के सच्चे भक्तों ने इमरजेंसी के दौरान जेल में यातनाएं सही और अपने हकों की आवाज को उठाने का काम किया। इस मौके पर रेवाड़ी में सम्मान समारोह आयोजन में मुख्य अतिथि पहुंचे। सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में जिन प्राइवेट अस्पतालों ने मनमानी कर जनता से ओवररेट वसूलने का काम किया है उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
1975 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो देश के अंदर एक आपातकाल स्थिति लगाकर जो एक बहुत बड़ा मतलब देश के लिए एक काला दिवस कहा जा सकता है उस दिन को, और लोकतंत्र की हत्या उन्होंने जो की, और जिस तरह से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे संघ के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और उसके लिए उन्होंने जेल भी काटी और तरह तरह की यातनाएं भी झेली, और उन्होंने लोकतंत्र को जो बचाने का जो काम किया उन्हीं के आज मान सम्मान के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। देखो, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों के लिए पिछले 7 साल के अंदर जो काम किए हैं वो पिछली सरकारों ने किसी ने नहीं किए। जिस तरह से अभी इनका जो एक ही मुद्दा था कि MSP ख़त्म हो जाएगा, MSP नहीं रहेगा, तो आप देख रहे हैं कि MSP भी है और लगातार विभिन्न प्रकार की जो हमारी फसलें, कई प्रकार की फसलें, उनका MSP अभी भी बढ़ा है, खरीफ की फसलों का अभी भी बढ़ा है। और जैसे हमारा इलाका है, बाजरा का भी 100 रुपये बढ़ा है, कपास का बढ़ा है, और सभी जो अन्नों का जो MSP रेट बढ़ा है। और जिस तरह से खाद में सब्सिडी आपका पहले 500 थी, अब 1200 सब्सिडी की है, और किसान को हर तरह की सुविधा देने का काम किसान सम्मान निधि के रूप में, कई आपकी जो सॉइल हेल्थ के कार्ड के रूप में, तो किसानों को तरह तरह की जो सुविधाएं उनके। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में कोरोना के 121 नए केस मिले हैं, जबकि 17 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। राहत की बात यह है कि 22 में से मात्र पलवल में 20 नए केस मिले हैं, शेष सभी जिलों में इससे नीचे केस मिले हैं। साथ ही ठीक होने वालों की संख्या 227 है। एक दिन की पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 0.41% पहुंच गई है। इसके अलावा अगर हम बात रिकवरी दर की कर ले तो वो 98% से भी ज्यादा है। एक्टिव केसों की संख्या घटकर 1804 रह गई है। कोरोना से शनिवार को 17 मरीजों की मौत हुई। इनमें गुरुग्राम, हिसार, पानीपत, भिवानी, दो सोनीपत, करनाल, रोहतक, सिरसा, झज्जर, पलवल, कैथल, जींद, नूह में एक एक मरीज की मौत जो है वो दर्ज की गई है। आपको बता दें कि अब हरियाणा में कोरोना का कहर थमता हुआ नजर आ रहा है। अब तक प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9368 हो गई है। हरियाणा के फरीदाबाद में विशेष समुदाय के दो लड़कों ने एक 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई शुरू करते हुए दोनों आरोपियों को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, हमें कंट्रोल रूम के थ्रू वीटी प्राप्त हुई थी कि एक 14 साल की लड़की साथ दुर्व्यवहार टाइप की घटना घटित हुई है, जिसमें हमने SHO आदर्श नगर ने पुलिस SHO वोमन पुलिस स्टेशन जो हमारी है उसकी हेल्प ली और हमने उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज किया और नियमानुसार उसमें हमने कार्रवाई कर दी थी। और उसके बाद नियमानुसार जो आरोपी हैं आरिफ और शहजाद, उनको हमने राउंड अप करके उनको अरेस्ट भी कर लिया है। कौन लोग थे ये दोनों जो आरोपी हैं? क्या लड़की के मिलने वाले थे या क्या कुछ था ये आसपास ही? वही कोरोना टीकाकरण की नई नई शुरुआत करने में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग का कोई जवाब नहीं है। अब मेट्रो में यात्रा करने वाले लोगों को भी स्वास्थ्य विभाग कोरोना रोधी टीका लगवाने की सुविधा मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध करवा रहा है। स्वास्थ्य विभाग DMRC के हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन परिसर में कोरोना रोधी टीका केंद्र बनाएगा। 1 जुलाई से मेट्रो स्टेशन पर लोगों के लिए कोरोना रोधी टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें रोज 250 लोगों को टीका लगाया जाएगा। दरअसल
पूरे देश में यह पहली बार होगा जब किसी मेट्रो स्टेशन पर कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो डीएमआरसी के अधिकारियों से बातचीत कर टीकाकरण केंद्र बनाने की प्लानिंग को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसमें मेट्रो स्टेशन पर उन लोगों को लाभ मिलेगा जो ड्यूटी के कारण टीकाकरण नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्री मेट्रो स्टेशन पर ही टीका लगवा सकेंगे। हर रोज 250 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। सभी को कोविशील्ड वैक्सीन की डोज ही दी जाएगी। टीकाकरण करवाने वाले लाभार्थियों को अपना आधार नंबर और फोन नंबर देना होगा। क्रिया में हमने आपको मालूम है कि पहले RWAs में या सोसाइटीज में या वर्क प्लेस में इंडस्ट्रीज में और ड्राइव थ्रू में गुड़गांव ने एक पहल की थी, चाहे वो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन की बात करें उनमें भी हमने पहल की थी। अब हम एक नया प्रयास करने जा रहे हैं। एक जुलाई को डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हम मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर स्टेशन पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरुआत करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि हम वहाँ पर 250 पर डे का एक स्लॉट करेंगे जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों डोजेज रखी जाएंगी और आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि लगातार चलता रहे। वो एक ही मेट्रो स्टेशन पर हम ये करेंगे जहाँ पर एडिक्वेट स्पेस हो, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग। कलनौर स्थित अनाज मंडी के गोदाम से सरसों के 6512 बोरे चोरी कर लिए गए। चोरी का आरोप गोदाम इंचार्ज और सिक्योरिटी एजेंसी पर है। जांच के लिए कमेटी गठित करने के बाद से ही गोदाम इंचार्ज जो है वो लापता बताया जा रहा है, जिसका मोबाइल भी फिलहाल बंद ही आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भिवानी जिले के कोहलवास स्थित स्टेट वेयर हाउस के प्रबंधक राजेश ने कलानौर थाने में ये शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में ये बताया गया कि 31 मई को जिला प्रबंधक भिवानी द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, जिसे स्टेट वेयर हाउस कोहलावास के अंतर्गत आने वाले सरसों के गोदामों की जांच करनी थी। कलानौर अनाज मंडी स्थित गोदाम में रखे सरसों के बोरों की भी गिनती की गई, जहां पर मात्र 1727 बोरे ही मिले। रिकॉर्ड के अनुसार गोदाम से सरसों के 6512 बोरे कम पाए गए। और उनके अंतर्गत ये अपना कलानौर वेयर हाउस का गोदाम भी आता है, जिसकी सुपरविजन और पूरी जिम्मेवारी राजेश गरेवाल को दी गई थी। और उनके रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर टोटल 8239 सरसों के कट्टे रखे हुए थे, जिनकी देखभाल और निकालने की जिम्मेवारी सारी राजेश गरेवाल जी की थी। 1 तारीख को DM साहब श्री जितेंद्र जी यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि सरसों के कट्टे काफ़ी मात्रा में कम हैं, तो जिसकी उन्होंने अपने लेवल पर कमेटी गठित की। उस कमेटी ने 2 तारीख को यहाँ पर PV की है। PV में टोटल 1727 सरसों के कट्टे पाए गए और 6512 सरसों के कट्टे गायब मिले, जिससे कमेटी को शक हुआ कि राजेश गरेवाल जो इसका इंचार्ज था और SIS जिसको सिक्योरिटी का जिम्मा दिया हुआ था, ये मतलब उन लोगों की देखरेख। हरियाणा के पलवल में जिम करने गए एक युवक को पुरानी रंजिश के चलते 2 दर्जन से अधिक लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 4 नामजद और अन्य के खिलाफ हत्या अन्य आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले में मृतक के भाई ने हमलावरों की तुरंत गिरफ्तारी और सजा की मांग की है। फिलहाल शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि मृतक अनूप भी हत्या के एक मुकदमे में हाईकोर्ट से जमानत पर ही आया हुआ था। छोटा भाई और ये बड़ा भाई, ये दोनों गए थे जिम पे, जिम करने फुटा सेक्टर दो में दो, मतलब लगता बॉर्डर पे है, बम्बा क्रॉस करके, नाला क्रॉस करके वहाँ गए थे। तो उसमें बड़ा भाई तो बैठ गया था, वहाँ बहन जी है, मामा की लड़की है वहाँ, तो उनके घर के बाहर बैठ गया था, उनसे पानी वानी मांग रहा था, पानी पीने के लिए दिया। छोटा भाई चला गया था जिम करने, जिम के अंदर थोड़ी देर में ही करीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ही फिर यहाँ पे गोलियाँ चलने की आवाज़ आई थी। उसमें छोटा भाई आया था भाग के देखने के लिए, तो उसने देखी कि जैसे गोलियां चल रही हैं, तो जैसे ही छोटे भाई पे नज़र पड़ी उस पर भी ये वारदात हुई है। ये वहाँ से भाग गया था छोटा भाई, वहाँ से भागने के बाद जब पुलिस आई है तब वो भाई वापस आया है पुलिस को देख करके, तब उसे मालूम हुआ है कि भाई गुजर चुका है।
कल 7 और 7:30 बजे की बात है शाम की। ये लड़का जो मरने वाला है अनूप, ये जिम करके गया था अपने रिश्तेदार के वहाँ बैठे थे, पानी वगैरह पी रहे थे। इनकी पुरानी दुश्मनी 10-12 साल पहले इन्होंने मर्डर किया था, दूसरी पार्टी इसके पीछे लगी हुई थी। झज्जर के लघु सचिवालय में स्थित तहसील कार्यालय के बिक्री सेल में अज्ञात कारणों के चलते आज आग लग गई। कार्यालय से धुआं निकलता देख लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में कार्यालय का फर्नीचर व रिकॉर्ड पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। रविवार का अवकाश होने के कारण कार्यालय में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही SDM शिखा व CTM शिवजीत भारती मौके पर पहुंची। दोनों अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और तहसीलदार संबंधित अधिकारियों को भी सूचना दी। आगजनी की घटना के बाद लघु सचिवालय के तहसील कार्यालय में लगे CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना हमारे को 8:20 पे किसी ने सूचना दी कि VDC ऑफिस में शिक्षा विभाग के ऑफिस में आग लगी है। हमने तुरंत रिस्पांस दिया, मौके पर हमारी टीम आई और हमने आकर देखा कि भाई आग फैली हुई है यहाँ पर और कोई यहाँ पर है नहीं, चौकीदार वगैरह कुछ नहीं था। हमने तुरंत एक्शन लिया और इसके ताले तोड़कर और तुरंत आग पर काबू पा लिया। कौन सा कार्यालय आप ये कार्यालय तहसीलदार सेल का बता रहे हैं? तो क्या रखा था इसमें? वो तो सर वही बता सकते हैं, हमारा काम है आग बुझाने का, हमने अपना काम प्रॉपरली पूरा कर दिया। आपको पता चला होगा क्योंकि हमें पता चला इसमें रिकॉर्ड था। हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड था, साफ जाहिर हो रहा है, तो देखने से पता चल रहा है कि भाई इसमें कोई रिकॉर्ड था। तो अभी आग पर काबू पा लिया, आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। अब खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां गांव गाजी गोपाल की ढाणी निवासी जसवंत और प्रताप शाम के समय घर से अपने निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें भैंस चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान ढाणी निवासी रामू ठेकेदार और उसके परिवार ने उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा कि जसवंत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चाचा प्रताप को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। किसी तरह जान बचाकर भाग निकलने के बाद प्रताप ने इसकी जानकारी ढाणी वासियों और पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया है। वहीं मृतक के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मौके पर पहुंचे यूपी पुलिस अधीक्षक हंसराज ने बताया कि युवक की हत्या की गई। अब इस संदर्भ में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। रात में ये लिगड़ गया, मैं इसके गल गल भग गया, ये था कौन ने, ये उस डाने में रंजा बड़े उसको उत मारे गाय देता है, गाय देता है लिगड़े, किन चीजों से मारी गई? लटके अच्छा बंगल, अच्छा जिनानी लग गई और लग गया। और आप आपके साथ क्या हुआ? सिर में मारी लट। अच्छा आपके बीमारी? आपके बीमारी, इसको यहाँ कौन लेके आया है जसवंत को? वो गिर गया कंधा गिर। और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।